हेलो माय लवली चिल्ड्रेन हाव आर यू ऑल आई होप यू येल इन हार्टी एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस लेसन नंबर वन इन योर बुक्स हॉर्न एंड द टाइटल ऑफ द लेसन इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी दिस लेसन इज रिटन बाय खुशवंत सिंह द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बच्चों सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे टाइटल को लेडी मीन्स वुमन यू ओल नो एंड पोर्ट्रेट मीन्स पेंटेड फोटोग्राफ और बच्चों यहाँ पर भी एक पोर्ट्रेट है एक फोटोग्राफ है बस वो पेंट से नहीं बनाई गई है वो वर्ड्स के द्वारा बनाई गई है एक्चुअली खुशवंत सिंह एक लेडी को डिस्क्राइब करते हैं उनका करेक्टर उनकी पर्सनैलिटी उनकी अपीरियंस हमें देखने को मिलती है और वो लेडी कोई और नहीं उन्हीं की ग्रैंड मदर है बहुत ही टचिंग लेसन है बच्चों तो चलिए शुरू करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह विद मी पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मीट द राइटर खुशवंत सिंह बच्चों खुशवंत सिंह है इंडियन राइटर राइटिंग इन इंग्लिश ही वॉज बॉर्न इन 1915 एंड ही वॉज क्वाइट फेमस फॉर हिज नॉवेल अ ट्रेन टू पाकिस्तान बच्चों ये लेसन उन्होंने लिखा है उसमें है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट अब ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्ड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ जब कोई भी राइटर या कोई भी पोइट अपनी रचना के अंदर अपनी कॉम्पोजिशन के अंदर खुद के लाइफ के बारे में बताए तो वो जो उनकी कॉम्पोजिशन है वो जो रचना है चाहे लेसन हो स्टोरी हो नोवेल हो कुछ भी हो वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफिकल तो यहाँ पर खुशवंत सिंह जी ने अपने खुद की दादी माँ उनके जो रियल ग्रैंड मदर थी उनको डिस्क्राइब किया है उनका पेन स्केच दिया है एक्चुअली ये लेसन एक लविंग ट्रिब्यूट है उनकी ग्रैंड मदर के लिए उनके द्वारा तो यहाँ पर ऑथर ने अपनी एसोसिएशन बताई है अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो उनका इमोशनल बोंड था जो उनका एक रिश्ता था बहुत ही प्यार का रिश्ता वो हमें दिखाने की कोशिश की है तो जो रियल में घटित हुआ था उनके जीवन में उन्होंने वो सब इस लेसन के अंदर बताया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर ही डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर ओवर द He ही पेंस डाउन हर डेली एक्टिविटीज एंड हाउ शी as एज अ as एज टाइम पास बाय he explains her appearance which helps to create an image in readers mind. तो चलिए बच्चों bachcho without any शुरू करते हैं hain lesson my grandmother like everybody's grandmother was an old woman मेरी दादी माँ यहाँ पर माए आय ये जब भी यूज होंगे बच्चों एक खुशवंत सिंह जी के लिए यूज होंगे तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं मेरी दादी माँ जैसे हर किसी की दादी माँ होती थी एक बूढ़ी औरत थी एक ओल्ड वुमन थी शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फोर द ट्वेंटी ईयर्स डेट आई हैड नोन हर मैं उन्हें बीस सालों से जानता था क्योंकि इस समय राइटर बीस सालों के थे तो शायद वो इस समय इसलिए बता रहे हैं कि वो उसे बीस सालों से जानते थे और वो हमेशा से रही हैं ओल्ड बूढ़ी और रिंकल्ड रिंकल्ड मीन छियों से भरा हुआ रहा है उनका चेहरा पीपल सेट देट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अजबेंड बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव लोग तो ये भी कहते हैं वो किसी ज़माने में बहुत ही यंग थी जवान थी प्रिटी थी खूबसूरत थी और उनका तो एक हस्बैंड भी था लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं होता क्यों नहीं होता विश्वास क्योंकि राइटर ने जब भी अपनी ग्रैंड मदर को देखा है ओल्ड रूप में ही देखा है ओल्ड एज के अंदर देखा है और जो राइटर है उनके दादाजी की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है तो दादाजी को तो उन्होंने देखा ही नहीं माय ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम बच्चों कई बार ना शॉर्ट में बीच में से क्वेश्चंस निकालते हैं क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ के अंदर और एक दो बार मैंने देखा है कि ग्रैंड मदर का करेक्टर स्केच वैसे इस में सबसे इंपॉर्टेंट बनता है लेकिन शॉर्ट में ग्रैंड के ऊपर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आप यहाँ से निकालेंगे माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राॅइंग रूम ड्रॉइंग रूम कौन सा होता है बच्चों लिविंग रूम जहां पर हम मेहमानों के लिए कमरा होता है मेहमान आकर बैठते हैं सोफा वगैरह होता है तो उस कमरे के मेंटल पीस हमने शुरू में डिस्कस किया था, portrait, किया हुआ यहाँ पर बच्चों वो ही है लटका हुआ था ग्रैंड का उनके ड्रॉइंग रूम के अंदर कैसे दिखते थे वो वोर अग टूज फिटिंग क्लोथ उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी और लूज फिटिंग के कपड़े पहन रखे थे ढीले ढाले हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिस चेस्ट उनकी बहुत ही लंबी सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी जिस दाढ़ी ने उनकी चेस्ट को उनकी छाते को कवर किया हुआ था यानी कि वो बहुत लंबी थी एंड हे लोक एट लीस्ट अ हंड्रेड ईयर्स ओल्ड और वो लगभग सौ साल के बूढ़े उस पिक्चर में उस पोर्ट्रेट में प्रतीत हो रहे थे तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो दादी हैं नरेटर की राइटर की वो काफ़ी ओल्ड हैं विंकल्ड हैं और जब से राइटर उन्हें जानते हैं वो ऐसे ही दिखाई देती हैं और उनके दादाजी की पोर्ट्रेट वहाँ पर ड्राइंग रूम में लगी हुई है जिन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है और उनकी लॉन्ग और वाइट कलर की बियड है जो काफ़ी लंबी है चलिए बच्चों आगे चलते हैं He did not look the sort of person who would have a wife or children. उनके दादाजी को पो, के पोर्ट्रेट को देख कर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इस तरह के पर्सन है जिनकी कभी को कोई वाइफ या बच्चा भी हो, होंगे He looked as if he only have lots of lots of ऑफ गेन वो उतने ओल्ड दिखाई दे रहे हैं उस पिक्चर के अंदर कि लगता ही नहीं वाइफ और बच्चे होंगे लगता है बस नाते पोते ही हो सकते हैं उनके और कुछ नहीं इतने बूढ़े वो प्रतीत हो रहे हैं एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग द was वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग बच्चों ये बोर्ड लेटर्स में दिया हुआ है पहले हम इसी लाइन का जिक्र करते हैं थॉट यानी कि विचार जिस विचार के अभी राइटर यहाँ पर बात कर रहे हैं वो विचार ऑलमोस्ट लगभग रिवोल्टिंग था रिवोल्टिंग मीन्स हार्ड टू एक्सेप्ट प्रतिक्रिया पैदा करने वाला रिवोल्ट मतलब विद्रोह पैदा करने वाला और वो क्या थॉट था, था कि उनकी ग्रैंड मदर कभी यंग और प्रटी रही होंगी लोग कहते हैं ना वो जवान थी खूबसूरत थी लेकिन ये जो थॉट है कि उनकी दादी जो कि अब बहुत बूढ़ी है ओल्ड है रिंकल्ड है वो कभी जवान और, और खूबसूरत रही होंगी ये जो थॉट है वो काफ़ी रिवोल्टिंग है राइटर के लिए काफ़ी हार्ड टू बिलीव है हार्ड टू एक्सेप्ट है शी ऑफ टोल्ड टोल्स ऑफ द गेम्स शी यूड टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीन क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल एस शी ऑफ टोल्ड टोल्स ऑफ द गेम्स उनकी दादी माँ उनको बहुत बार बताया करती थी उन खेलों के बारे में जो कि वो जब बच्ची थी तब वो खेलती थी दैट सीन क्वाइट एब्जर्ड और जब भी उनकी दादी उन खेलों के बारे में बताती थी राइटर को वो सारी बातें एब्जर्ड रिडिकुलस मूर्खतापूर्ण लगती थी उनको विश्वास नहीं होता था एंड अनडिग्निफाइड अनडिग्निफाइड मीन्स नॉट रिस्पेक्टेबल अशोभनीय प्रतीत होती थी उनके पार्ट पर एंड वे ट्रिटिट इट लाइक फेबल्स और वो हमेशा उन गेम्स की कहानियों को फेबल्स के रूप में देते थे फेबल्स क्या होती है बच्चों ओल्ड इमेजनी इमेजनरी स्टोरीज काल्पनिक कहानियाँ पुरानी काल्पनिक कहानियों के तौर पर रहते थे जो कि प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स मीन्स रिलीजियस uh, टीचर और आप हिंदी में कह सकते हैं पैगंबर उन्हें सुनाते थे दादी माँ जिन पैगंबरों की कहानियाँ हमें सुनाती थी उनकी तरह ही उनके द्वारा खेले गए गेम्स हमें प्रतीत होते थे एब्जर्ड अनडिग्निफाइड एंड दे ट्रीट इट लाइक फेबल्स काल्पनिक कहानियों के तौर पर लेते थे क्योंकि नरेटर को हमेशा वो ओल्ड और रिंकल्ड ही दिखाई दी हैं वो ये बिलीव ही नहीं कर पाते थे कि वो कभी यंग होंगी कभी प्रटी होंगी या कभी इतनी छोटी बच्ची होंगी जो अजीब अजीब तरह के मूर्खतापूर्ण गेम्स भी खेलती होंगी शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड बच्चों इस चैप्टर का ना एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में करेक्टर स्कैट ऑफ ग्रैंड मदर और उसमें सबसे पहले हम ग्रैंड मदर की फिजिकल अपीरियंस बताएंगे जो यहाँ पर बताई गई है वो शॉर्ट थी यानी कि उनकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं थी फैट थी मोटी थी एंड स्लाइटली बेंट वो थोड़ी झुकी हुई थी थोड़ी कुबड़ी थी थो, जो आदमी समय के साथ थोड़ा पीछे की ओर झुक जाता है झुक कर चलता है मैं अभी आपको पिक्चर दिखा दूंगी कैसे हर फेस वॉस अ क्रिस्क्रॉस ऑफ ब्रिंकल्स क्रिस क्रॉस मींस ताना बाना क्रॉस के रूप में उनके चेहरे पर बहुत सारे विंकल्स थे झुरियाँ थी रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर उनके पूरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुरियाँ थी नो वी वो सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर और हम इस बात के लिए सर्टेन थे श्योर थे कन्फर्म थे कि वो हमेशा से ऐसी ही रही होंगी कैसी शॉर्ट फैट स्लाइटली बेंट एंड फुल ऑफ रिंकल्स ऑन हर फेस ओल्ड So terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for ट्वेंटी years. वो इतनी बूढ़ी थी इतनी भयानक तरीके से बूढ़ी थी कि और बूढ़ी नहीं हो सकती थी और हम पिछले बीस वर्षों से उन्हें इतना ही बूढ़ा देख रहे थे शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी ओलवेज ब्यूटिफुल बचो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है ये प्रिटी और ब्यूटिफुल दो वर्ड्स हैं अब आप कहोगे मैं मे तो सेम ही है यहाँ पे राइटर ने क्यों यूज़ किया प्रिटी और ब्यूटीफुल तो मैं अभी आपको डिस्कस डिटेल में बताऊँगी अभी मैं आपको इसके पैराग्राफ की बताती हूँ कि वो कभी विश्वास नहीं होता था राइटर को कि वो प्रिटी रही होंगी सुंदर रही होंगी लेकिन प्रिटी का तो पता नहीं राइटर को लेकिन वो ब्यूटिफुल हमेशा से थी तो बच्चों प्रिटी वर्सेस ब्यूटीफुल प्रटी मतलब बच्चों बाहरी अपीरियंस से सुंदरता और ब्यूटीफुल मीन्स नॉट ओनली आउटर अपीरियंस बट ऑल्सो इनर अपीरियंस कि न केवल वो बाहरी रूप से खूबसूरत थी बल्कि इनर रूप से प्रिटी एक छोटा वर्ड है लेकिन ब्यूटीफुल एक बड़ा वर्ड है जब आप किसी को प्रिटी कहते हो आप उसकी केवल बाहरी अपीरियंस की तारीफ करते हो लेकिन अगर आप किसी को ब्यूटीफुल कहते हो तो ना केवल आउटर बल्कि इनर जो वो अंदर से इंसान है उसके भी आप तारीफ़ करते हो तो ये दो वर्ड्स हैं इनको आप ध्यान रखेंगे राइटर कहते हैं प्रिटी का तो पता नहीं लेकिन वो ब्यूटिफुल बहुत थी यानी कि इन साइड आउटसाइड शी वॉज अ रियल जेम शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अर रोजरी शी होबल्ड होबल्ड मीन्स वॉकड लेमली लंगड़ाती हुई वो घूमती रहती थी पूरे हाउस में स्पॉटलेस वाइट उन्होंने स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहन पहनी हुई थी हमेशा वो सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहनती थी सफ़ेद साड़ी पहनती थी जिस पर एक भी दाग नहीं लगा होता एक हाथ तो उनकी वेस्ट पर होता उनका कमर के ऊपर होता हमेशा ताकि वो जो झुकी हुई थी शरीर का झुकाव जो था उसको कंट्रोल कर सकें और दूसरे हाथ में हमेशा होते थे बीड्स ऑफ अ रोज़री आपने देखा होगा जितने भी हमारे यहाँ पर ओल्ड एज पीपल हैं वो भगवान का नाम लेते हैं और एक माला रुद्राक्ष की पर्टिकुलरली या तुलसी की माला उनके हाथ में होती है और वो माला के मनकों के द्वारा भगवान का नाम लेते रहते हैं तो उनके बहुत ही रिलीजियस थी बच्चों ग्रैंड मदर अभी हम देखेंगे आ, आगे फिजिकल अपीरियंस के बाद आप सेकेंड पॉइंट करेक्टर स्केच में ले सकते हैं कि शी वॉज क्वाइट अ रिलीजियस लेडी क्योंकि वो हमेशा ही भगवान का नाम स्मरण करती रहती थी हमेशा भगवान का ध्यान अपने अंदर रखती थी एक हाथ उनका वेस्ट पर होता था ताकि अपने स्टूप को कंट्रोल कर सकें शरीर के झुकाव को कंट्रोल कर सकें और दूसरे हाथ में हमेशा ही रोजरी हमेशा ही माला रहती थी तो देखिए बच्चों क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स एवरीवेयर टू एवरीवेयर पूरे के पूरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा विंकल्स थे कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जहाँ पर रिंकल्स ना हो इतनी बूढ़ी थी दादी माँ और बच्चों वो स्टूप झुकी हुई थी मैंने आपको भी बताया शरीर का झुकाव था तो एक हाथ उनका हमेशा वेस्ट पर रहता था प्रिटी वर्सेस ब्यूटीफुल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पिटी मींस आउटर अपीरियंस और ब्यूटीफुल मींस आउटर प्लस इनर अपीरियंस और ये है बच्चों रोजरी माला जिनसे वो बीड्स होते हैं बच्चों इसकी जो मोती मन के आप कह सकते हैं यहाँ पर रुद्राक्ष हैं ये कहलाते हैं बीड्स तो हमेशा वो बीड्स गिन गिन कर भगवान का नाम लेती रहती थी चलिए आगे चलते हैं हर सिल्वर लॉक्स were scattered untidily over ओवर हर पेल face फेस एंड हर लिप्स moved in इन इनऑडिबल silver सिल्वर लॉक्स लॉक्स क्या होती हैं बच्चों लटाएं यानी उनके बाल सिल्वर कलर के थे सफ़ेद रंग के थे बूढ़ी हो चुकी थी सफेद रंग के बाल थे वो उनके पीले पेल मीन्स पीले चेहरे के ऊपर अनटाइडली मतलब उनको अच्छे से कुम नहीं करती थी वो वैसे ही बंधे रहते थे उनका पेल चेहरा था पीला एंड पकड़ पकड़ मीन्स फुल ऑफ रिंकल्स uh, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे और उनके जो लिप्स थे बच्चों कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली मीन्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते थे प्रेयर के अंदर इनऑडिबल और वो प्रेयर सुनी नहीं जा सकती थी मतलब वो मुंह से बड़बड़ाती रहती थी भगवान का नाम लेती रहती थी प्रार्थना करती रहती थी लेकिन वो प्रार्थना सुनाई नहीं देती थी यस शी वॉज ब्यूटिफुल हाँ वो बहुत खूबसूरत थी शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेंस एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेलिनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट और बच्चों यहाँ पर जो पोइट है वो सिमिली का यूज़ कर रहा है लाइक like वर्ड का यूज़ करके आपने टेंथ में बहुत अच्छे से पढ़े हैं सिमिली मेटाफर सारे तो आपको पता है लाइक और एस का यूज़ करके जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करें तो सिमिली का यूज़ होता है तो पोइट यहाँ सॉरी राइटर यहाँ पर सिमिली का यूज़ करते हुए कहते हैं वो विंटर के लैंडस्केप की तरह थी सर्दियों के भू दृश्य की तरह अब आप भी इमेजिन करिए माउंटेन है और उनके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है बिल्कुल सफ़ेद बर्फ उनको देख आपको कैसा लगेगा प्योर पवित्र वाइट सफ़ेद सीनिटी मीन्स कामनेस पीसफुलनेस एक्सपेंस मीन्स फैलाव चारों तरफ जब आप देखेंगे माउंटेंस के ऊपर सफ़ेद बर्फ पड़ी हुई है शांति का वातावरण है तो आपको उसको देखकर कर मेंटली पीस मिलेगी कंटेंटमेंट मिलेगी कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन संतुष्टि मिलेगी और यही संतुष्टि हमारे हाँ, राइटर को अपनी दादी माँ को देखकर कर आती थी वाइट स्नो से उनकी कंपेरिजन की गई है वाइट साड़ी का ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स बच्चों एक नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा इसका कि थ्री फेजेस थी राइटर और ग्रैंड मदर के रिलेशन के अंदर तीन फेजेस आए तो पहला फेज आता है उनका विलेज में जब वो थे गांव में जब वो दोनों एक साथ रहते थे तब क्या होता था चलिए पढ़ते हैं मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्सटेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता शहर चले गए थे और मैं गांव के अंदर दादी माँ के साथ रह गया था हम दोनों ही वहाँ रहते थे लगातार बहुत दिनों तक हम अकेले दोनों वहाँ पर रहे शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल वो मुझे सुबह सुबह उठा देती थी मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी शी सेट हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाई शी बेड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट शी सेट हर मॉर्निंग प्रेयर्स सुबह के जो भजन वो गायक करती थी वो मोनोटोनस मोनोटोनस मीन्स लगातार बिना रुके इतना कि वो डल प्रतीत होता था बोरिंग प्रतीत होता था सिंग सॉन्ग मीस गाती रहती थी शी बेट में मुझे नहलाते वक्त भी गाती रहती थी मुझे कपड़े पहनाते वक्त भी गाती रहती थी और उस गाने के पीछे भजनों को गाने के पीछे प्रेयर को बोलने के पीछे ये मंतव्य था दादी माँ का कि उनका पोता उसे सुनेगा और बाय हार्ट उसको लर्न कर लेगा याद कर लेगा वैसे भी आप देखते हैं छोटे बच्चे उसी तरह के सीखते हैं बच्चों उनके साथ हम बार 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 बोलते रहेंगे उनको अपने आप याद हो जाता है चाहे उनको उसका मीनिंग पता हो या नहीं आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट राइटर खुशवंत सिंह हमें कहते हैं मैं उनकी उस मॉर्निंग प्रेयर को बहुत ध्यान से सुनता था क्योंकि मुझे मेरी दादी माँ की आवाज़ से प्यार था लव करता था मैं उनके वॉयस से लेकिन मैंने कभी वॉडर नहीं किया कि मैं उसको याद करूँ क्योंकि उसको याद करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक और फिर वो फैच फैच मीन्स ब्रिंग ले आती थी मेरी लकड़ी की बनी हुई तख्ती आपको पता है ना पुराने ज़माने में तख्तियाँ होती थी उस पर लोग लिखते थे जो कि धुली हुई थी और प्लास्टर्ड विद येलो चौक येलो चौक में मुल्तानी मिट्टी उसके ऊपर करी हुई थी और एक टाइनी टाइनी में स्मॉल अर्दन इंक पोट मिट्टी का बना हुआ इंक पोर्ट जिसमें इंक होती थी एंड अ रेड पेन और लाल रंग का एक पेन था टाई दैम ऑल इन अ बंडल एंड मी वो इन सब का एक बंडल बनाती और मुझे दे देती तख्ती अर्दन इंक पोर्ट एंड रेड पेन ये देखिए बच्चों दादी माँ और नरेटर या राइटर साथ साथ रहते थे जब उनके पेरेंट्स चले गए थे सिटी में रहने के लिए वो विलेज में अकेले रह गए थे दोनों वो उन्हें सुबह नहलाती तैयार करती मनोटोनस सिंग सॉन्ग में मॉर्निंग प्रेयर गाती ताकि वो उसे लर्न कर सके लेकिन राइटर ने कभी भी उसको लर्न करने के लिए बॉर्डर नहीं किया और फिर वो दोनों जाते स्कूल में स्कूल में जाने के लिए वो क्या कह लेते आप देख पा रहे हैं अर्धन टाइनी इंक पोर्ट भी आप देख पा रहे हैं और पेन भी आप देख पा रहे हैं इनका एक बंडल बनाती दादी और राइटर को दे देती। और राइटर इस के साथ स्टेल चपाती लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड टू स्कूल अब बच्चों खाने के लिए क्या होता था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के अंदर सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में एक थिक, के मोटी सी बासी चपाती आप सबको पता ही है रोटी उसके ऊपर बटर लगा हुआ और उसके ऊपर चीनी ये रोल करके दादी माँ दे देती थी खुशवंत सिंह को वो उसको खाते थे और फिर स्कूल चले जाते थे शी कैरिट सेवल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स बच्चों दादी माँ को ना एनिमल्स और बर्ड्स से बहुत प्यार था तो आप एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि शी यूज टू लव बर्ड्स एंड एनिमल्स तो विलेज में वो हमेशा जो विलेज डॉग्स थे स्ट्रे डॉग्स थे आवारा कुत्ते थे बहुत सारी बासी स्टेल मतलब बासी रोटियाँ उनके लिए बांध कर ले जाती ताकि वो उन कुत्तों को उन डॉग्स को विलेज के खिला सकें माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज़ अटैच टू द टेम्पल दादी माँ हमेशा राइटर के साथ स्कूल जाती क्योंकि स्कूल के साइड में ही था टेम्पल मंदिर और हमें ऑलरेडी पता है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी धार्मिक लेडी थी द प्रीस टॉटस द एल्फ़ाबैट जो वहाँ का पुजारी था वो उन बच्चों को अल्फ़ाबैट यानी कि अक्षरमला आ ई ये सब सिखाया करते थे एंड द मॉर्निंग पेयर और भजन और भगवान का नाम लेना भी उन्हें सिखाया जाता था वाइल्ड द चिल्ड्रेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरिंडा सिंगिंग द एल्फाबेट और द प्रेयर इन चोरिस तो बच्चों वहाँ पर वेरेंडा के अंदर दोनों लाइन जैसे आपको स्कूल में भी बैठाया जाता आपको पता है बीच में जगह छोड़ दी जाती है एक बरामदे के इस तरफ लाइन लगा दी जाती है एक उस तरफ उस तरह से बच्चों को बिठा दिया जाता था वो याद गा गा के याद करते थे सारे अल्फाबेट्स ग्रुप में कॉरेस मीन्स ग्रुप में वो गाते थे भजन गाते थे भगवान का नाम लेते थे वो सीखते थे माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स और उनकी दादी माँ उस समय जब बाहर नरेटर अल्फ़ाबेट्स सीख रहे थे मॉर्निंग प्रेयर सीख रहे थे तब उनकी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं बच्चों रिलीजियस बुक्स धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी वो टेम्पल के अंदर बैठ ये देखिए बच्चों स्टेल चपाती विथ बटर एंड शुगर इट आप सबने भी ज़रूर खाई होगी बड़ा स्वाद आता है इसको खाने में नहीं खाई तो ज़रूर खाना ये वीडियो देखने के बाद बड़ा मजा आएगा और टेम्पल के अंदर हमेशा पढ़ती थी वो स्क्रिप्टर्स स्क्रिप्चर्स आपके लिए एक नया वर्ड है जरूर याद करेंगे इसका मतलब होता है रिलीजियस बुक्स धार्मिक पुस्तकें आगे चलते हैं When we, had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का काम हो जाता हम दोनों वापस घर की ओर चलते दिस टाइम dogs डॉग्स वुड us एट the टेम्पल और इस समय तो विलेज के कुत्ते हमें मिलते टेम्पल के डोर के बाहर दे followed us टू आर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद each other. वो हमारा पीछा करते जब तक कि हम घर ना पहुँच जाते और वो रास्ते में करते growling. Growling means गुर्राना fighting, एक दूसरे से लड़ाई करते क्यों फॉर द चपातीज विथ थ्रू टू डैम जो चपातीज दादी माँ और मैं डालते थे उन डॉग्स के लिए उनको खाने के लिए वो फाइट करते गुर्राते एक दूसरे के ऊपर वेन माई पेरेंट्स व कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी फॉर फोरस बच्चों टर्निंग पॉइंट आ गया है नरेटर और ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप जो थी उसके बीच में टर्निंग पॉइंट क्या होता है नया मोड क्या हुआ कि जब नरेटर के पेरेंट्स जो थे वो आराम से सिटी में उनको घर मिल गया सेटल हो गए सब कुछ ठीक हो गया उन्होंने भी उन दोनों को बुला लिया शहर में ही अब दादी माँ और नरेटर ने विलेज छोड़ दिया था अब वो दोनों बिल्कुल 24 के 24 घंटे बच्चों एक दूसरे के साथ रहते थे लेकिन अब शहर में देखते हैं वो साथ रह पाएंगे या नहीं तो ये था अ टर्निंग पॉइंट इन आ फ्रेंडशिप उनकी दोस्ती में एक नया मोड एक टर्निंग पॉइंट ऑल दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी उस शहर के घर में भी वो एक ही रूम में रहते थे दादी और पोता लेकिन अब जो राइटर था वो स्कूल अकेले ही जाता था ग्रैंड मदर उनके साथ नहीं जाती थी आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस वो एक अंग्रेज़ी स्कूल में जाते थे जहाँ पर अंग्रेज़ी भाषा सिखाई जाती थी और एक वो एक मोटर बस के अंदर यानी कि एक स्कूल बस के अंदर बैठ जाते थे तो दादी माँ उनके साथ नहीं जा सकती थी देवर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस जैसा कि हम जान चुके हैं कि बर्ड्स से एनिमल्स से दादी माँ बहुत प्यार करती थी लेकिन शहर में बच्चों को डॉग्स नहीं दिखाई दिए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने वहाँ पर कोर्ट जो घर का आंगन था उसके अंदर जो आती थी स्पैरोस चिड़िया उनको खिलाना शुरू कर दिया उनको वो भोजन डालती थी तो अब कुत्तों की जगह डॉग्स की जगह ले ली थी स्पैरोस ने ये देखिए बच्चों कैसे दादी माँ विलेज डॉग्स को खिलाती थी स्टेल चपाती बड़े खुश होकर डॉग्स खाते थे आगे चलते हैं एज द ईयर्स रोल बाय वी सो ईच अदर लेस अब क्या हुआ बच्चों जैसे जैसे आ, साल बीतते गए हमने एक दूसरे को कम कम देखना शुरू कर दिया टाइम ही नहीं मिलता था फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल कुछ समय के लिए तो दादी माँ फिर से नरेटर को उठाती थी तैयार करती थी स्कूल के लिए मेरा केम बैक शी वुड आस्क मी वॉट द टीचर हैड टोटमी जब मैं स्कूल से वापस आता तो मुझसे पूछती दादी माँ कि आज टीचर ने क्या सिखाया आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग फिर मैं दादी माँ को बताता कि आज मैंने इंग्लिश के ये शब्द सीखे और बताता पश्चिमी साइंस विज्ञान और लर्निंग को मैंने सीखा जैसे कि क्या क्या द लॉ ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें पढ़ाया गया आर्कमेडीज इज प्रिंसिपल द वर्ल्ड बींग राउंड आर्कमिडीज ने जो प्रिंसिपल सिद्धांत दिया कि विश्व गोल है वो हमें पढ़ाया गया दिस मेड हर अनहैप्पी वो इन चीज़ों को सुनकर बहुत नाखुश हो जाती अनहैप्पी हो जाती शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स क्योंकि ये चीज़ें तो दादी माँ को आती नहीं थी वो नरेटर की या राइटर की पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती थी शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टोटस एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स वो बहुत ही नाखुश हो जाती बच्चों का दिल टूट जाता कि इंग्लिश स्कूल के अंदर जो सिखाया जा रहा है वो उसमें उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी और सबसे बड़ा मेन पॉइंट उनके डिस्ट्रेस होने का जो कि उन्हें सैड बनाता था वो ये कि भगवान और स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथों के बारे में रिलीजियस बुक्स के बारे में इंग्लिश स्कूल के अंदर कोई भी टीचिंग नहीं दी जाती थी उनके बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता था वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन एक दिन आया मैं स्कूल से वापस और मैंने बताया दादी माँ को कि हमें एक म्यूजिक सिखाया जाएगा संगीत सिखाया जाएगा शी वॉज वेरी डिस्टर्ब ये सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई उन्हें बहुत बुरा लगा टू हर म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशंस बच्चों लूड मीन्स वलगर अनडिग्निफाइड बहुत ही निम्न स्तर का होता है म्यूजिक निम्न स्तर की एसोसिएशन होती है म्यूजिक के साथ क्यों इट वॉज अप द मोनोपली ऑफ द हालोट्स एंड बैगर्स एंड नोट मैन फॉर जेंटल फॉक उनका कहना था कि जो म्यूजिक है संगीत है वो मोनोपली है मीन्स एक्सक्लूसिव राइट है केवल दो व्यक्तियों का कौन एक तो हालट्स यानी कि प्रोस्टिट्यूट्स और दूसरा बैगर्स यानी कि भिखारी आम जनता के लिए साधारण लोगों के लिए पढ़े लिखे लोगों के लिए समझदार लोगों के लिए म्यूज़िक नहीं है केवल हालट्स और बैगर्स ही उसका यूज़ करते हैं शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल उन्होंने कुछ कहा तो नहीं लेकिन उनकी चुप्पी उनका साइलेंस उसका मतलब था डिसअप्रूवल उनकी नापसंदगी म्यूज़िक के लिए शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट और उसके बाद तो उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की बहुत ही कम होता था कि वो मुझसे कोई भी चीज़ डिस्कस करती थी मुझसे कोई बात करती थी वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन जब मैं बड़ा हो गया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने लगा तो मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वो स्नैप्ड हमारी फ्रेंडशिप का दादी माँ और मेरी फ्रेंडशिप का केवल एक ही लिंक था एक ही माध्यम था वो एक कमरा जिसमें हम साथ रहते थे वो भी स्नैप कर लिया गया छीन लिया गया तोड़ दिया गया माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन सेक्लूजन मीन लोनलीनेस आइसोलेशन अकेलापन और रेजिग्नेशन मीन्स रेलिकेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द इनइविटेबल शांतिपूर्वक उन्होंने स्वीकार कर लिया इस अकेलेपन को इस तन्हाई को इस आइसोलेशन को शीड रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन बट स्पिनिंग व्हील क्या होता है चरखा आपने महात्मा गांधी जी के फोटो बहुत देखे होंगे चरखे का यूज़ करते हुए वही मैं आपको दिखा भी दूंगी अभी तो वो केवल अपना स्पिनिंग व्हील का यूज़ करती रहती किसी और से बातचीत भी नहीं करती थी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट जब सूर्य उदय होता था तब से जब तक सूर्य अस्त होता था तब तक वो केवल अपने स्पिनिंग व्हील पर बैठी रहती स्पिनिंग करती रहती चरखा कर का यूज़ करती रहती और रिसाइटिंग पेयर्स और भगवान का नाम लेती रहती ये देखिए बच्चों ये होता है स्पिनिंग व्हील और दादी माँ सनसेट सनराइज मतलब पूरे ही दिन जब से वो उठती जब तक वो सोती केवल स्पिनिंग व्हील का यूज़ करती रहती और अपनी प्रेयर्स रिसाइट करती रहती भगवान का नाम लेती रहती ओनली इन द आफ थोड़ा सा आराम करती और उस दौरान भी वो चिड़ियों को खाना डालती वाइल्ड इन दरिंडा ब्रेड इन टू दिटल ब्र्ड्रेड लिटल बर्ड्स कलेक्टेड राउंडटेबल बेटल बच्चों क्या होता था कि दोपहर में वो ब्रेड लेती ब्रेड को लिटिल बिट्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर करती हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी वहाँ पर उनके कोर्ट यार्ड में उनके आंगन में आ जाते और वहाँ पर वो क्रिएट करते वेरीटेबल वेरीटेबल मीन्स रियल या ट्रूली बैडलैम मींस मीन्स ऑफ चर्पिंग हम एक साथ ले लेते हैं कि वहाँ पर वो नॉइजी कन्फ्यूजन क्रिएट करते वो बहुत मतलब चूँ चू की आवाज़ वहां पर लगा देते तो बहुत ज़्यादा शोर वहां पर हो जाता सम केम एंड पर्स्ट ऑन हर लेग्स कुछ आते पक्षी और पर्स्ट मीन सेट बैठ जाते उनकी टांगों पर अदर्स ऑन हर शोल्डर्स कुछ उनके शोल्डर्स पर यानी कि कंधों पर बैठ जाते सम इवन सैट ऑन हर हेड कुछ उनके सिर पर बैठ जाते शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे वो हंसती लेकिन शू नहीं करती शू मीन्स फ्लू ड्रॉप देम अवे भगाती नहीं थी उनको उनको बैठने देती आराम से वो बड़ी खुश होती थी उन स्पैरो के इट यूज टू बी half आवर ऑफ द डे फॉर हर ये जो आधा घंटा था दोपहर का जब वो चिड़ियों को खाना देती थी वो उनकी जिंदगी में उनके डे में सबसे खूबसूरत सबसे हैप्पीस्ट सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था ऐसा राइटर हमें बता रहे हैं तो देखिए बच्चों आधा घंटा उनकी जिंदगी का कब दोपहर का जब वो चिड़ियों को खाना डालती थी सैकड़ों चिड़िया वहाँ पर आ जाती थी बहुत ज़्यादा चर्पिंग करती चीन 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 की आवाज़ करती और खाना खाती और कोई उनके शोल्डर पर बैठ जाती कोई उनके लेग्स पर बैठ जाती कोई उनके हेड पर वो कभी भी उनको शू नहीं करती थी भगाती नहीं थी चलिए आगे चलते हैं वेन आई डिसाइडेड टू गो अप्रोड फॉर द फर्दर स्टडीज आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट अब मुझे जाना पड़ा अब्रोड विदेश अपने देश को छोड़कर किसी और देश में आगे की पढ़ाई के लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए और मुझे पक्का पता था मैं श्योर था कि मेरी दादी माँ बहुत अपसेट हो जाएंगी नाराज़ हो जाएंगी सैड हो जाएंगी मेरे इस डिसीजन के ऊपर आई वुड बी अवे फॉर फाइव ईयर्स मुझे पाँच साल के लिए बाहर जाना था एट हर एज वन कुड नेवर टेल और उनकी उम्र में कोई कुछ भी नहीं कह सकता था बट माई ग्रैंड मदर कुड शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल लेकिन मेरी दादी माँ ने जैसा कि मुझे लगा था कि वो भावुक हो जाएंगी रोएंगी जाने नहीं देंगी ऐसा कुछ भी नहीं किया वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी भावुक नहीं थी बिल्कुल भी नहीं रोई शिकेम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन वो मुझे तो रेलवे स्टेशन पर बाई करने भी आई बट डि नॉट टॉक और शो एनी इमोशन लेकिन ना उन्होंने मुझसे बात की ना ही कोई अपने इमोशन अपने अंदर के भाव मुझे वहाँ पर दिखाए हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर उनके लिप्स आज भी मूव कर रहे थे भगवान का नाम ले रहे थे हर माइंड वॉज लोस्ट इन प्लेयर उनका दिमाग भी गुम था अपने भगवान भगवान याद में. में उनके हाथ में अभी भी वो वो माला माला थी थी. और वो उस माला को लेकर का नाम ले रही थाड बहुत धीरे से उन्होंने मेरे फोरहेड को मेरे माथे को चूमा एंड वेन आई लेफ्ट आई मोस्ट इम्प्रिंट एज पर द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन एस और जब मैं वहां से निकला वहां से गया आई चैरिश चेरिश मीन कि समथिंग इन आर माइंड और कीप समथिंग इन आर हार्ट मैंने उसको बहुत इन्जॉय किया मेरे दिल और दिमाग में रखा किस चीज़ को मोइस्ट उस नमी वाले इम्प्रिंट मतलब इम्प्रेशन को उनके किस को शायद मेरा और उनका ये आखिरी फिज़िकल कॉन्टेक्ट था कि हमने शरीर से एक दूसरे को छुआ ये हमारा लास्ट पॉइंट था क्योंकि आगे देखते हैं बच्चों पाँच साल बाद क्या होने वाला है ये देखिए बच्चों नरेटर जा रहे हैं पाँच साल के लिए अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज और दादी माँ बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं है बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है इस समय बट दैट वॉज नोट सो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था आफ्टर फाइव ईयर्स आई केम बैक होम पाँच साल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर आया एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन स्टेशन पर मेरी दादी माँ मुझे लेने भी आई शी डिड नॉट लोक अ डे ओल्डर एक दिन भी बूढ़ी वो नहीं लग रही थी वो वैसी लग रही थी जैसा मैं छोड़ के गया था शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स अभी भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कूड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स उन्होंने आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया यानी कि मुझे गले लगाया और अभी भी उनके मुँह से उनके जो प्रेयर भगवान का नाम था वो लगातार ले रही थी ऑफ माई अराइवल हर the frivolous विद्यूस बच्चों अभी भी नरेटर वापस आ चुके हैं पांच साल की पढ़ाई करने के बाद लेकिन अभी भी दादी माँ का सबसे सुंदर आधा घंटा वही था कौन सा उन चिड़ियों के साथ उनको खाना खिलाते हुए अभी भी वो उनको खाना खिलाती थी विद frivolous. frivolous. क्या होता है नॉन सीरियस अफेक्शनेट रिब्यूक्स means स्कोल्डिंग लविंग प्लेफुल स्कोल्डिंग कई बार मम्मी पापा हमें डांट लगा देते हैं ना खुश हो खुश हैं वो दिख रहा है गुस्से में नहीं है लेकिन डांट लगा देते हैं तो वो इस तरह से उनको डांट लगाती रहती और खिलाती रहती अभी भी उनकी जिंदगी में सबसे खुशनुमा पल थे उन स्पैरो को खाना खिलाना इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर शाम को कुछ अलग ही बदलाव आ गया दादी माँ के अंदर शी डिड नॉट प्रे उन्होंने प्रेयर नहीं करी आज शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग ड्रम यहां पर मतलब बच्चों ढोलक उन्होंने एक ढोलक कलेक्ट किया और उसको बजा बजा कर वो गाने लगी फॉर सेवरल आवर्स शी द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डीलापिट डीटेड ड्रम सेवरल आवर्स कई घंटों तक वो बजाती रही थम्प करती रही सैगिंग

पढ़ाई करके कर घर पर वापस आया था उसकी भी होम कमिंग हुई थी वी हैड टू परसवेट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग हमने उनको मना किया कि प्लीज मत करो आप स्ट्रेन हो जाओगी जरूरत से ज़्यादा परिश्रम आपको नहीं करना चाहिए आप थक जाओगी दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे आज तक जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो पहला समय था जब उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया जब उन्होंने पूजा नहीं की वो बस ड्रम बजाती रही खुशी के अंदर उन्होंने हमारी बात भी नहीं मानी ये देखिए बच्चों खुशी में दादी माँ नरेटर के होम कमिंग की खुशी में कैसे ड्रम बजा रही हैं और सभी लेडीज़ को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है एंड शी वॉज इन्जॉइंग और पहला दिन था जब उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया था द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल अगले ही दिन वो बीमार हो गई इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर us दैट इट वुड गो हल्का सा बुखार था बच्चों ने और डॉक्टर ने कहा कि वो चला जाएगा बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली लेकिन मेरी दादी माँ के तो अलग ही विचार थे शी us दैट her एंड वॉज नियर उन्होंने हमें बताया कि अब उनकी मृत्यु नज़दीक है शी सेट दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफअर लाइफ शी हैड ऑमिटेड टू प्रे और उन्होंने हमें यह भी बताया कि जब उनकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर खत्म होने वाला था उसे कुछ ही घंटों पहले उन्होंने जिंदगी में पहली बार पूजा नहीं की भगवान का नाम नहीं लिया शी वॉज़ नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस और अब वो और समय हमसे बात करके वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि अब वो भगवान के द्वार जा रही हैं तो वो भगवान का नाम ही लेना चाहती है वी देखिए बच्चों काफ़ी बीमार हो गई हैं दादी माँ वी प्रोटेस्टेड हमने उनका विरोध किया मना किया उनको कहा आप आराम करो बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट लेकिन उन्होंने हमारे विद्रोह को इग्नोर किया ध्यान नहीं दिया शी पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स वो लेटी रही अपने बेड के ऊपर पूजा पाठ करती रही अपनी रोजरी के साथ अपनी माला के साथ इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स टॉप मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफ फिंगर्स हमने सस्पेक्ट भी नहीं किया था इस चीज़ का हमें अनुमान भी नहीं था अचानक ही उनके लिप्स ने मूव करना बंद कर दिया और वो जो माला थी जो हमेशा से उनके हाथ में रहती थी वो उनकी लाइफ लेस फिंगर्स से गिर गई लाइफ लेस मतलब जीवन से विहीन या कि यानी इसका मतलब है बच्चों दादी माँ नहीं रही अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन अ फेस बहुत ही शांति की पीलापन उनके चेहरे पर छा गया था एंड वी न्यू शी वॉज डेड और वो अब नहीं रही थी उनकी मृत्यु हो गई थी वी लिफ्टिड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेट हर ऑन द ग्राउंड जैसा कि कस्टम है रीति रिवाज है हमारे यहाँ भी है बच्चों यही कि उनको बेड से उठाया गया और जमीन पर लेटा दिया गया उनके कॉप्स को कॉप्स एक वर्ड आएगा आपका इसी पैरा के अंदर कॉप्स होता है डेड बॉडी को कवर्ड हर विद रेड शाउड और उन्हें बच्चों कवर कर दिया गया एक लाल रंग के कफ़न के साथ शाउड मीन्स कफ़न आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल कुछ घंटे वो सब रोते रहे बच्चों मॉर्निंग में शोक विलाप करना रोना और उसके बाद उन्होंने उनकी अंतिम यात्रा फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए वो लोग उठे इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड ऑफ स्ट्रेचर आपको पता ही है बच्चों लास्ट को एक स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है उन्होंने वो तैयार किया जो कि क्रूड था रिफाइंड नहीं था वहाँ पर उनको क्रिएट करने के लिए लेके जाना था उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जाना था द सन वॉज सेटिंग सूर्य अब ढल रहा था एंड हैड लेट हर रूम एंड द वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट उस समय दादी माँ का कमरा और बरामदा एक गोल्डन आपने भी देखा होगा जब शाम होती है एक गोल्डन कलर की लाइट आ जाती है ब्लेज मतलब रे या ग्लो तो गोल्डन कलर की लाइट वहाँ पर सुनहरी लाइट वहाँ पर छा गई थी वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड हम बगीचे में आधे जाकर रुक गए सॉरी आंगन में आधे जाकर रुक गए All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. अब बच्चा हुआ क्या आधे रास्ते वो जाकर रुक गए gaye courtyard के अंदर और पूरे veranda में उनके room तक जहाँ पर वो dead लेटी हुई थी उस लाल कफन में लिपटी हुई हजारों sparrows आ गई थी हजारों चिड़िया वहाँ पर फ्लोर के ऊपर ऐसा लग रहा था चिड़िया वहाँ पर बिखरी हुई हैं बहुत ज़्यादा चिड़िया ही चिड़िया थी देर वॉज नो चरपिंग और अजीब सी बात यह है कि कोई भी चिड़िया आज ची ची की आवाज़ नहीं कर रही थी और दिन हमने पढ़ा था अभी बहुत ही ज़्यादा शोर करती थी वो चिरप करके लेकिन उस समय कोई भी चिड़िया कुछ नहीं बोल रही थी वी फेल्ड सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम हमें बहुत बुरा लगा उन स्पैरो के लिए और मेरी माँ घर के अंदर गई एंड फेस्ट मतलब ब्रॉड बैक सम ब्रेड फॉर देम ब्रेड ले आई शी ब्रोकेट इन टू लिटिल क्रम्स जैसे कि दादी माँ उनको छोटे छोटे टुकड़े करके देती थी मेरी म, मेरी माँ ने भी उनको छोटे छोटे टुकड़े कर कर वहाँ पर ब्रेड्स डाल दी द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दम द स्पेरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड लेकिन अचंभे की बात यह है बच्चों की कि किसी भी चिड़िया ने ब्रेड का कुछ नहीं खाया ना उनकी ओर ध्यान दिया कि उनके लिए खाना रखा गया है वेन वी कैरेट माई ग्रैंड मदर स्कॉप्स ऑफ द फ्लू ऑफ एक क्वाइटली कॉप्स मैंने अभी आपको बता दिया बच्चों डेड बॉडी ज़रूर याद कर करजिएगा इस वर्ड को अगले साल फिर आएगा कॉप्स डेड बॉडी तो जैसे हम अपनी दादी माँ की डेड बॉडी को ले जाने लगे वो चुपचाप उड़ गई किसी ने ब्रेड का एक दाना भी नहीं खाया नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन और अगली सुबह जब सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी यानी कि स्वीपर आया उसने जब सफाई की तो सारे के सारे ब्रेड क्रम्स उसने उठाए और डस्टबिन के अंदर डाल दिए चिड़ियों ने ब्रेड का एक भी दाना नहीं खाया शायद चिड़ियों को भी पता लग गया था कि जो इतने सालों से उनको ब्रेड्स खिला रही थी वह अब नहीं रही तो बच्चों ये थी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह आई होप आपको अच्छी लगी होगी वास्तव में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है राइटर के द्वारा उनकी ग्रैंड मदर का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे सारे की सारी स्पैरोज बहुत दुखी थी वो भी अनहैप्पी थी कि उस लेडी की मृत्यु हो गई जिन्होंने उसको इतने सालों तक खाना खिलाया सो दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रणाला ब्लॉक बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट छ्छर आई होप कि जितना ये लेसन टच मुझे करता है आप लोगों को भी उतना ही टच किया ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको लेसन कैसा लगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब करें चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय बच्चों